जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन का जो है वो हम चैप्टर पढ़ रहे थे, तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही थी कि चैप्टर नंबर 10 को हम डिस्कस कर रहे हैं। उसमें कुछ कोडिंग स्कीम्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं डेटा को डिटेक्ट किया करेक्ट करने के लिए। तो उनमें से एक जो स्कीम है वो है ब्लॉक कोडिंग, ठीक है, जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती है। कन्वोल्यूशन कोडिंग के बारे में यहाँ पर डिस्कशन नहीं हुई हुई, वैसे तो ब्लॉक कोडिंग की भी डिस्कशन कुछ ज़्यादा नहीं हुई, थोड़ी सी हुई है, लेकिन ये जो है बिल्कुल कंसिडर नहीं हुई हुई, जबकि ये थोड़ी सी डिस्कस की हुई है कि ये क्या चीज़ है। अब ब्लॉक कोडिंग क्या है कि ये है कि भाई ये क्या करती है, ये कोड वर्ड जनरेट करती है किस तरह से कि डेटा वर्ड प्लस उसके साथ रिडंडेंट स्पीड्स का वो एडिशन कर देती है। ये के प्लस आर जो है वो इज इक्वल टू एन, इसका मतलब एन जो है हमारे पास वो डेटा कोड वर्ड है और वो किसकी इक्वल है, डेटा वर्ड प्लस रिडंडेंट बिट्स। अब ये रिडंडेंट बिट्स कैसे डाली जाएंगी ये मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अब ये है हमारे पास के इज इक्वल टू डेटा वर्ड एंड रिडंडेंट बिट्स, ये इस तरह से इसको शो कराएंगे। मैं थोड़ा सा आपको लिख के दिखाती हूँ और जैसे कि आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास k बिट्स हैं किसी भी आपके कोड वर्ड में, तो 2 की पावर k लेने से इतने आपके डेटा वर्ड उससे बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह 2 की पावर n से आपके पास उतने कोड वर्ड्स बनेंगे जितना भी n लिया गया है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, यानी कि ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन उस के बन जाएंगे और उसके साथ फिर एन के साथ जितने भी उसकी कॉम्बिनेशन बनेंगे वो उसकी कोड वर्ड बनते जाएंगे। मैं जैसे आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक ब्लॉक कोडिंग की एग्जांपल है हमारे पास, तो उसकी टाइप कह सकते हैं जैसे कि ये है 4B/5B। इसमें का मतलब ये है कि ये 4B जो है वो डेटा वर्ड है हमारे पास, यानी कि इसके जो वर्ड्स होंगे उनमें 4 बिट्स आ रही होंगी, जबकि जो उसका कोड वर्ड होगा उसमें 5 बिट्स होंगे, ठीक है। अब 2 की पावर अगर आप 4 लेंगे, 2 की पावर 4 तो आपके पास आ जाएगा 16 इसके डेटा वर्ड होंगे, और हर किसी के साथ जब हम ये इसकी 5th वाली बिट लगाएंगे तो उसका उतने वर्ड बन जाएंगे, 32 वर्ड्स हमारे पास कोड वर्ड्स बन जाएंगे, फिर वही आगे भेज जाएंगे और फिर आगे उसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो ब्लॉक कोडिंग को फिलहाल थोड़ा सा इसीलिए डिस्कस किया गया, ये रिडंडेंट बिट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मैं आपको और डिस्कशन करती हूँ उसके बारे में, हैमिंग डिस्टेंस एक चीज मेंशन है आपके चैप्टर में कि हैमिंग डिस्टेंस क्या होता है। हैमिंग डिस्टेंस क्या चीज़ है, ये है डिस्टेंस बिटवीन टू वर्ड्स, दो वर्ड्स के दरमियान। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक एक्स है एक वाई है, इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे कि ये हैमिंग डिस्टेंस है। और ये कैसे होगा कि उसके जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान जो है ना उनकी बिट्स के करस्पॉन्डिंग बिट्स का डिफरेंस हम देखेंगे। अब वो बिट्स का डिफरेंस कैसे मालूम होगा ये आप बताती हूँ कि नॉर्मली उसके जो नंबर ऑफ वंस हैं उनको देखा जाता है, ठीक है ना। नंबर वंस जो हैं उनको चेक करते हैं इसमें, मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल भी कोट कराती हूँ। इसको वैसे हम रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे एक्स और वाई को कि डिस्टेंस अगर हमने कोई लिखा है कि हैविंग डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। इसमें नॉर्मली हम पहले जो फर्स्ट प्रोसेस वो ये है कि हम क्या करते हैं, जो उसका पहला जो हमारा प्रोसेस होगा उसके हम अप्लाई कर देंगे जो कोड होगा हमारे पास डेटा वर्ड होगा उस अप्लाई एक्स आर, उस पर हम एक्सक्लूसिव आर अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हम नंबर ऑफ वंस काउंट करेंगे और वो हमारा हैमिंग डिस्टेंस होगा। देन काउंट ठीक है, वो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं एग्जांपल लेती हूँ, ये बुक में भी एग्जांपल दी हुई है।
जी आई मीन डिस्टेंस की मैंने दो एग्जांपल्स यहाँ पे लिखी हैं, उसमें देखें हमने पहले इन नंबर्स पे XOR अप्लाई करना है। XOR का मतलब होता है कि जब हमारे पास दोनों इनपुट्स जो होती हैं वो सेम होती हैं तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर हमारे पास आएगा ज़ीरो, ठीक है, और वन भी तो भी हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा, और जहाँ पर दोनों इनपुट्स डिफरेंट होंगी वहाँ पर हमारे पास आंसर वन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहली बिट इस की इस करस्पॉन्डिंग बिट से हम जब मैच करेंगे तो दोनों हमारे पास ज़ीरो हैं, ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो, ठीक है। दूसरी आपने सब चेक की यहाँ पर ये ज़ीरो है वन है तो हमारा आंसर वन आएगा, ये भी ज़ीरो एंड वन है तो यहाँ भी वन आ जाएगा। अब हमने काउंट किया नंबर ऑफ वंस वन एंड वन दैट इज़ टू, इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास डी जो है वो टू है, आई मीन डिस्टेंस इनके दरमियान टू है। इस तरह यहाँ पे एग्जांपल देखें, यहाँ पे देखें ये वाला वन और ये वाला वन, इन दोनों वन हैं तो इसका मतलब हमारे पास आंसर ज़ीरो आएगा, ये ज़ीरो एंड ये वन तो यहाँ पर पास वन आ गया, ये वन और ये वन दोनों इनपुट्स वन है तो हमारे पास ज़ीरो आंसर आएगा, ये हमारे पास ज़ीरो है ये हमारे पास वन है यहाँ पर आंसर हमारे पास वन आएगा, ये वन है और ये ज़ीरो है यहाँ पर हमारे पास वन आएगा, तो यहाँ पर हमारे पास डिस्टेंस कितना आ जाएगा, थ्री, ठीक है। यानी हैमिंग डिस्टेंस को मालूम करने का तरीका क्या है कि पहले आप उस दो डेटा वर्ड्स पे अप्लाई करें क्या कहते हैं XOR, और उसके बाद उनके दरमियान में एक नंबर ऑफ वंस को है वो काउंट करें, तो इस तरह से आप हैमिंग डिस्टेंस जो है वो मालूम करेंगे, ठीक है।